1 करोड़ लेकर फरार होने वाली कंपनी पर सीबीआई ने 5 साल बाद दर्ज की एफआईआर। जाने पूरा मामला। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी व्यूअर साथियों का एक बार फिर से हमारे स्टी न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो जो आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों, इसलिए लेकर आए ताकि आपको पता चल सके कि जाँच एजेंसियों में कितनी खामियाँ चल रही हैं और किस तरीके से निवेशकों के पैसे जो कंपनियां ठग कर भाग जाती हैं उनके ख़िलाफ़ कोई एफआईआर दर्ज करने में कितना लंबा टाइम लगा। तो दोस्तों आइए चलते हैं, पूरी न्यूज़ जानते हैं क्या है। गिरीट के गांव थाने में गत माह 19 दिसंबर 2019 को दर्ज प्राथमिकों को सीबीआई की रांची स्थित आर्थिक अपराध शाखा ने टेक ओवर करते हुए नई प्राथमिक दर्ज की है। मामला चिटफंड कंपनी रियल मल्टी मैनेजरियल सर्विसेज लिमिटेड से संबंधित है। इस कंपनी पर निवेशकों के 1 करोड़ रुपये लेकर वर्ष 2014 में फरार होने का आरोप है। सीबीआई ने 5 साल के बाद इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की है। हाई कोर्ट के आदेश पर इस चिटफंड कंपनी के 5 पदाधिकारियों के विरुद्ध सीबीआई ने प्राथमिकी दर्ज की गई है। कांड के अनुसंधानकर्ता सीबीआई के आर्थिक अपराध शाखा के दरोगा रविशंकर कुमार बनाए गए हैं। गिरिडीह के गांव थाने में कंपनी के एजेंट मानपुर पिहरा निवासी विकास चौधरी व अन्य एजेंटों ने उक्त कंपनी के 5 पदाधिकारियों के विरुद्ध लिखित शिकायत कर पूरे मामले की जानकारी दी थी। बताया कि इस ननन बैंक कंपनी के आरोपियों ने बिहार व झारखंड के विभिन्न जिला अनुमंडल व अंचलों में काम करने के लिए 2009 में उनसे संपर्क किया। आश्वासन दिया कि इस कंपनी में दैनिक मासिक आधार पर विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लोगों के रुपया जमा करवाए और कंपनी बैंक से अधिक सूद तथा रिफंड का लाभ लें। आगे खबर है कि इस कंपनी में रिजर्व बैंक से रजिस्टर्ड होने का झांसा भी दिया गया। जहां दोस्तों इतने बड़े बैंक का रजिस्टर्ड होने का झांसा दिया गया, आरबीआई का हवाला दिया गया। इस पर विकास व अन्य लोगों कंपनी में शामिल हो गए और इस कंपनी में 2009 में आरोपियों ने बिहार के नवादा में पटना रांची रोड स्थित सीताराम कॉम्प्लेक्स में कार्यालय खोला। इसके बाद गिरिडीह में गांव थाना क्षेत्र के पिहरा मानपुर में भी 1 दिसंबर 2012 को कार्यालय खोला और कर्मचारी बहाल किए। इन्हीं दोनों कार्यालयों में अलग अलग नाम पर पारिवारिक सदस्यों के नाम पर 1 करोड़ रुपये विभिन्न व्यक्तियों से कंपनी के में जमा कराया। परिपक्वता अवधि के बाद जब रुपया की वापसी के लिए लोग प्रयास करने लगे तो सिर्फ आश्वासन मिलता रहा, लेकिन रुपया नहीं मिले। केवल यही कहा जाता था कि रुपया जमा करते रहो। जब लगातार आग्रह के बाद भी रुपया नहीं मिले तो लोग यह विश्वास हो गया कि लोगों को कि आरोपित एक साजिश के तहत निर्दोष निवेशकों के 1 करोड़ रुपये ठग लिए हैं। कंपनी ने झूठा व दिखावटी बांड शेयर व अन्य प्रमाण पत्र निर्यात किए थे ताकि लोग उनकी जाल में फंसें। अंततः यह कंपनी वर्ष 2014 में नवंबर महीने में फरार हो गई। तो दोस्तों ये 2014 में कंपनी फरार की गई और इस फरार कंपनी की जो रिपोर्ट दर्ज करी गई है जो 5 साल बाद करी इन्होंने, इस पर दर्ज हुई प्राथमिकी संजय क्रमकार प्रबंधक निदेशक सुभाष नगर रोड नंबर 38 खरदा नॉर्थ 24 परगना कोलकाता अर्जुन मजूमदार कार्यालय निदेशक स्वाति नगर पानी हट्टी खरदा कोलकाता ओम प्रकाश गुप्ता निदेशक सीजुआ हारा जोगरा प्रातपुर 17 झारखंड मुकेश कुमार वर्मा बिजनेस डेवलपमेंट अफसर फतेहपुर गया बिहार दीपाकर दास जोधपुर कोलकाता पिहरा ब्रांच मैनेजर। दोस्तों ये न्यूज़ आपको स्टी न्यूज़ चैनल से दी जा रही है। खबर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे द्वारा भागी चिटफंड कंपनियों की न्यूज़ मिल सके आपको सबसे पहले। दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यूएस खान को दे दादा धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।